आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं इमानी सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। थाना पामगढ़ के अपराध क्रमांक 126/19, धारा 294, 506, 323, 324, 326, 201 भादवी मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14 मार्च 2019 को प्रार्थिया श्रीमती सुलोचना बघेल, पति राजेश्वर बघेल, उम्र 20 वर्ष, साकिन खोडुल, थाना उर्गा, जिला कोरबा, हाल मुकाम ग्राम पेंडी, थाना पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी शादी राजेश्वर बघेल के साथ हुई थी। शादी के 5 माह बाद ही इसके पति द्वारा इनके साथ मारपीट करने लगे, जो पीड़िता अपने मायके ग्राम पेंडरी में आकर रह रही थी कि दिनांक 14 मार्च 2019 को इसके पति के द्वारा लेने के लिए ग्राम पेंडरी आया और वापस घर खोडुल जाने की बात पर लड़ाई हुई। झगड़ा होने से इसके पति के द्वारा इनको गाली गुप्तार कर जान से मारने की नियत से घर में रखे चाकू से इनके पेट में प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे इसके पेट में गंभीर चोटें आई, जो पीड़िता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़ इलाज हेतु लाया गया, जहां उनकी स्थिति को गंभीर देखते हुए पीड़िता को सिम्स बिलासपुर रिफर कर दिया गया। बिलासपुर में इलाज चल रहा था। इस दौरान विवेचना के पीड़िता की चोट गंभीर प्रकृति के पाए जाने से आरोपी के खिलाफ धारा 326/201 भादवी जोड़ी गई एवं दिनांक 31/7/2019 को आरोपी राजेश्वर पिता ओम प्रकाश बघेल, उम्र 20 वर्ष, साकिन खोडुल, थाना उर्गा, जिला कोरबा को गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायिक रिमांड पर आज दिनांक को माननीय न्यायालय पामगढ़ को पेश किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNN News।